कुछ दिन पहला सोनी मान दा गीत सुन तत्ता तत्ता रिलीज़ होया सी। इस गीत नू लेके विवाद इन्ना बढ़ गया कि सोनी मान दे घर दे बाहर फायरिंग तक हो गई। सोनी मान ने फायरिंग पिछे लखा सिधाणा दा हथ दस्या है। इस संबंधी सोनी मान ने मीडिया नाल गलबात करदे होए लखा सिधाणा उते इल्जाम लगाया है। सोनी मान ने कहा कि साडे घर दे बाहर फायरिंग कीती गई है, ये लखा सिधाणा दे बंदे हन। जदों तों गीत रिलीज़ होया है ये सानू उदों तों ही धमकियां दे रहे हन। उह साडे ते गीत डिलीट करके माफ़ी मंगण लई आख रहे हन। जदों असीं माफ़ी नहीं मंगी तां इन्हां ने गोलियां चला दित्तियां। असीं माफ़ी नहीं मंगणी क्योंकि गीत विच कुछ भी गलत नहीं किया। उन्होंने कहा कि मेरे परिवार नूं गलत बोलिया गया है, उन्होंने गोलियां चलाईया गई। उन्होंने कहा कि दो दिन तो लगातार उन्होंने धमकियां दे रहे सन। इस संबंधी पुलिस नूं शिकायत भी दर्ज करवा दी गई है। उत्थे दूजे पासे रणबीर बाठ का कहना है कि लखा सिधाणा ने उसनू फोन करके धमकी दी सी। रणबीर बाठ ने रिकॉर्डिंग भी सुनाई जिस विच लखा सिधाणा रणबीर बाठ नूं गीत डिलीट करने लई कह रहा है। तो जदों गीत डिलीट करन नहीं मने तो लखा सिधाणा ने कहा कि उसनू गीत डिलीट करवाना आउंदा है। दस दई कि सोनी मान ने अपने गीत सुन तत्ता तत्ता दे विच कई मुद्दियां ते गल कीती है। फायरिंग तो बाद सोनी मान ने सोशल मीडिया ते एक पोस्ट भी सांझी कीती है जिस विच ओह लिखदी है, वाहिगुरु जी तुहाडा लख लख शुकर है, मेरा परिवार बचा लिया तुसी अज। एक सच बोलन कारण अपने परिवार नूं खो देना सी। मैं सुन तत्ता तत्ता गीत दे विच मैं की गलत बोलिया है दसो मैनू, जिस करके उन्हां दे बंदिया ने गोलियां चला दित्तियां साडे उत्ते। उत्थे ही शिकायत तो बाद पुलिस भी मौके उत्ते पहुंच गई है ते मामले की जांच कर रही है ते बनदी कार्रवाई करन दा भरोसा दे रही है। तरन तारण तो पंजाब टीवी प्राइम दे लई रशपाल पन्नू की रिपोर्ट। मेरा नाम सोनी मान है जी, मैं तरन तारण अमृतसर। मतलब कोई फिक्स जगह नहीं, काम के अकॉर्डिंग कभी चंडीगढ़ कभी कितने। सर गल इदा कि मेरा गाना आया सीगा 5 तरीक नूं सुन तत्ता तत्ता, ते उस तो बाद 5 तरीक तो जो गाना आया सानू 5 तरीक नूं शाम नूं ही धमकियां दे फोन आ रहे हैं कि गाना डिलीट कर दो डिलीट कर दो। असीं क्या गाना डिलीट क्यों करिए, ते लखा सिधाणे दे जिहड़े बंदे आ उन्हां दे ओह फोन कर रहे सीगे कि ये वह गल की गई है साडा गा भी अपना गाना डिलीट कर दो। असं क्या असं गाने डिलीट कर दे, कहते तुम गाने के दस्तार लाई है वो। मैं कहा जी असं गल की फिर तुम स्पष्टीकरण दे दो कि असी रोंग आ, है ना, असी सॉरी फिर मंगा। वो कहें असी स्पष्टीकरण नहीं देना, बस थोड़ू तो गाना डिलीट करना पैना आ। फिर इदा कि डिलीट कर दिए, मेरे कोई रीज़न नहीं है गाना डिलीट करन का। तू चल लाइव आके कह दे भी सोनी मिसअंडरसटैंडिंग हो गई है, कोई नहीं आप सॉर्ट आउट कर लें। तो मैं कहूँगी ठीक है भाजी, व्डे भरा मान के कहूँगी ठीक है, है ना। तुम फिर अगले दिन फिर वो बंद फोन आते इन्ना सानू ज़्यादा प्रेशराइज कर रहे हो ना। तो फिर एक होर सा जो एक परसन सगा कि कह उन्होंने विचोले ही कह लो तुम कि इन्हों का भी फ्रेंड सगा अगों, तो वो लखे सिधाणे भी जानता सगा, कहता सानू टीम कहता गल कर लो लखे वालों काम बहुत ज़्यादा गर्म हो पाया, बड़ा भुखिया पाया या गल सॉर्ट आउट कर लो। असं क्या असं किस तो डरते हैं, असं सच बोलिया, इस दुनिया साढ़े नाल सारे सानू चंगा कह रहे हैं भी चंगा गाना किया। तो फिर अगले दिन फिर फोन आ गया, कल की गल है, कल कहते हूँ थोड़ू गल करनी पैनी आ, काम हूँ ज़्यादा मग गया आ। उस तो बाद असं क्या चल गल कर लें, की पता की गल करनी है ना। तो फिर वो बंदे ने साड़ी कॉन्फ्रेंस लाई, कहता उन्हें कोई गल गुल नहीं की, असं भाजी भाजी कर दे भी चल कोई नहीं सॉर्ट आउट करते हैं। हाँ फिर करो गाना डिलीट, असं क्या गाना किदा डिलीट कर दिए। स्पष्टीकरण तो कहता मैं देना नहीं कि मैं दस्तार लाई कि नहीं लाई, मैं स्पष्टीकरण नहीं देना, थोड़ा गाना डिलीट करना ही पैना है। दस दी आई थोनू, फिर कहता चल ठीक आ, फिर साढ़े च जिन्ना दम असी गाना आप डिलीट करा के दिखावे जिन्ना असं कर सकते हैं ना। तो उतों सूँ पता लग गया भी ये हूँ होर तरह के हिसाब न आऊगा। तो अज उ गल हुई, असी सारे बैठे सके आराम ना, 10-15 जने आ गए आ, ठीक है, आ के गलां गुल कर लग गए। आंदे लखे दा फिर की करना, गाना डिलीट करो। असी कि किदा डिलीट कर, तुसी हर जिहड़ा बंदा डिलीट करो, असी क्यों डिलीट करिए गाना। तो कहिंदा स्पष्टीकरण उन्हें फिर नहीं, वह भी कहिंदे स्पष्टीकरण नहीं देना डिलीट करना पैना। उन्हें गाली गुली कढ़न लग गए, पेरेंट्स नूं पेरेंट्स सीगे, गाला गुला कढ़न लग गए। हुण जिहड़ा बंदा जी गाला कढ़ूगा उहनूं घरे तां बिठा नहीं सकदे, असी कि तुसी बाहर चले जाओ। असी चाह पानी भी उन्हां नूं पिलाया है ना, तो बाहर चले गए, असी कि बाहर चल जाओ जी गाला कढ़नी। गाला कढ़न तो बाद फिर चौंक दे विच हल्ला बोलन लग गए, ठीक है। तो फिर इन्नियां गंदियां गाला कढ़ी, असी कि गाल ना कढ़। ओए जदों कहा ना इन्होंने, ओए किया उन्होंने गोलियां मारनियां शुरू करतियां, इन्ने ज़्यादा फायर किए उन्हें, एडे एडे वे वे हॉल से। मैं थोड़ा दस दी उधर पुलिस आई से पहलों इन्वेस्टिगेशन करके लै चुके हैं। तो मेरी गल सुनो जी, असी फिर क्या जे तेनू प्रॉब्लम आ, असी कोई नहीं तेरी छवि है जो यूट्यूब नू भेज दांगे भी बंदे नू एतराज आ, इहदा रिमूव किया जाए विचों पार्ट। असी क्या सानू टाइम दो, इस चीज नू टाइम लगता। वह बंदे ने गल नहीं सुनी, अज बंदे भेजे और बंदे शरेआम कह के गए आ, असी लखे दे बंदे आ, उन्होंने सानू भेजिया भी गल करके और गाना डिलीट करके। वह पता की कहंदे हुणे हुणे गाना डिलीट करो, हुणे किदां भाई असी गाना डिलीट कर दिए। किन्नी कु गोली चली,
सर गोलियां 10-12 गोलियां चलियां आ, इन्होंने मेनू अंदर मतलब मेनू धक्का मार के अंदर किया, मैं मसा बची हूँ। आई तो मेनू तुसी समझ सकते हो गाना मैं गाया तो मेनू मारना है हुणे, ते मेरी जान नू खतरा सी, मेरे पेरेंट्स अगे आ गए, व्हाट्सएप अगे आ गए, है ना, उन्होंने बचाया। तो मैं दस दी तुसी फुटेज देखो, ओहदे विच तुसी कहना हाय ए बच किदां गए आ, एडे एडे होल, एडे एडे होल पुलिस लै चुक गई है। मंग सर सानू इक ते न्याय मिलना चाहीदा, क्योंकि मैं गल सुनो मेरी, जे तो कहोगे ना माफी मांग लो, माफी क्यों मंगा मैं, स्पष्टीकरण दो, बंदा स्पष्टीकरण दे दे मेरी लाइना दा कि मैं ये काम नहीं किया, मैं माफी फिर मांगूंगी, मैं इदां माफी नहीं मांगदी। सानू मांग यही है कि सानू न्याय मिलना चाहीदा आ, पुलिस नू साडे जिहड़े प्रूफ आ सारे देख के साडे ते फिर फैसला लेना चाहीदा, असी होर साडी कोई मंग नहीं हैगी, ते कल्ली कल्ली फुटेज रिकॉर्डिंग सब कुछ साडे कोल प्रूफ मुताबिक सारा कुछ हैगा, असी क्यों किसे नू इदां हरास करना, सानू मेरे परिवार नू कुछ हो जांदा मैं की करना सीगा। एक कुड़ी तो तुसी डर गए हो, धमकियां दे रहे हो एक कुड़ी नू, तुसी हद हो गई थोड़े वाली। ਭਾਜੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਰਣਵੀਰ ਬਾਠ ਹੈ ਜੀ, 62 ਵੈਸਟ ਸਟੂਡੀਓ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਬਾਠ ਹੈ ਜੀ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਨੇ ਆਪਾਂ ਜੀ। ਸਰ ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਅੱਜ ਪਤਾ ਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਲੀ ਮਿਲੀ? ਬਹੁਤ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਕਰ ਯਾਰ, ਗੋਲੀਆਂ ਆਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਾਣਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਸੁਣ ਤੱਤਾ ਤੱਤਾ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਤੱਤ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਪਚੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਧਾਣਾ ਬਾਈ, ਉਹ ਬਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਰਾਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਾਈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਆਪਣਾ ਆਹ ਡਿਲੀਟ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਬਾਈ ਤੇਰੀ ਫੋਟੋ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਤੇਰੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬਲਰ ਆ, ਪਤਾ ਉਹ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਣਾ ਹੀ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਭਾਈ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣਾ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋਈ, ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੀ ਰਹੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਭਾਅ ਜੀ ਸਿੱਧਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ 'ਤੇ ਫੈਰ ਮਾਰੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ 'ਤੇ ਫੈਰ ਮਾਰੇ, ਸਿੱਧੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਫੈਰ ਮਾਰੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਘਰੇ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ? ਮੰਗ ਭਾਅ ਜੀ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ 'ਚ ਪੈਰ ਰੱਖਣੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ, ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਟਰੋਲ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਹਨੇ ਕਿਤੇ ਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਟਰੋਲ ਬੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਲੱਪੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜੂਗਾ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗੀ, ਝੂਠ ਦਾ ਹੀ ਫਿਰ ਰਾਜ ਰਹੂਗਾ ਜੀ। ਸਾਰਾ ਭਾਅ ਜੀ ਸਾਰਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਆਹ ਲੱਖੇ ਬਾਈ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਆਪਣਾ ਗਾਣਾ ਡਿਲੀਟ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਮੰਮੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਪਏ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁੱਢੜੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਚਲੋ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਵਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਵਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਸਾਰਾ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਭਾਅ ਜੀ ਫੋਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਹਾਂਡਾ ਮੇਜ ਗੱਡੀ, 4 ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਗਏ ਆ, ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਭਾਅ ਜੀ 15-20 ਜਾਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਤੀ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਦਰਖਾਸਤ ਲਿਖਾਤੀ ਜੀ, FIR ਲਿਖਾਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੀ ਬਾਹਰ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਨ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ 5-10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਉਹ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਚਲਿਆ ਜੀ। ਸਰ ਇੱਕ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗਾਇਕ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਸ਼ਮੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੇ ਗਾਣੇ ਬੋਲਦੇ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਊ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਖਾਤਾ ਭੁਗਤਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ।